नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और मित्रों, हमने पूरे 2022 का राशिफल दिया, हर राशि के लिए बताया, जनवरी के महीने का भी बताया, लेकिन फिर भी मनुष्य की उत्सुकता शांत नहीं होती। वो ये जानना चाहता है कि हर पल मेरा कैसा होगा, हर दिन मेरा कैसा होगा, हर महीना मेरा कैसा होगा। तो हम प्रयास करते हैं फरवरी के महीने का दिनवार यानी प्रतिदिन के हिसाब से हम आपको उसका फलादेश दें और उसको आप अपने जीवन में उतारें और उसका आप लाभ लें। और सज्जनों, ये जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे से आगे आपको हमारी हर वीडियो प्राप्त होती रहे। आगे हम चलते हैं राशि फल के लिए। हम 2022 की फरवरी का मेष राशि का राशि फल हम अब दे रहे हैं। मेष राशि वाले जनवरी के महीने के अंदर अगर किसी की नौकरी ड्यू है तो नौकरी लगेगी, और अगर नौकरी लग चुकी है तो कोई ना कोई प्रमोशन के चांस बनेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टी का विवाद थोड़ा वहाँ पर आएगा और उसमें कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो उसके लिए सही समय का इंतज़ार करें। लाभ के स्थान के ऊपर बैठा हुआ बृहस्पति बहुत अच्छा लाभ दे रहा है, संतान का सुख दे रहा है, संतान के प्रति या संतान की तरफ से कोई ना कोई अच्छे समाचार हमको प्राप्त होने का इस जनवरी फरवरी के महीने के अंदर जो है आसार हैं यानी उम्मीदें हैं। और ये बृहस्पति भाइयों से फरवरी के महीने के अंदर अच्छे संबंध बनाएगा। अगर पूर्व से कोई बिगड़े हुए संबंध हैं, मित्रों से कोई बिगड़े हुए संबंध हैं, तो उनको भी ये अच्छा बनाएगा। इसके साथ ही साथ पत्नी के सुख में भी इसमें वृद्धि होगी। अगर किसी का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, वो लड़का है या लड़की है, तो इस फरवरी के महीने में उनके विवाह होने की उम्मीद है, पूरे पूरे चांस बनते हैं, उनका या तो संबंध हो जाएगा या विवाह संपन्न हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर द्वितीय स्थान के अंदर आपकी राशि से दूसरे स्थान पर राहु चल रहे हैं और राहु आपकी वाणी को बिगाड़ सकते हैं। आपकी वाणी के कारण से कोई ऐसा कारण बन सकता है जिससे बनता बनता काम आपका बिगड़ जाए। घर के अंदर भी आपके कुछ ना कुछ कलह आदि जो है आपकी वाणी के कारण से संभव हो सकते हैं। और उसके अंदर ये है, सबसे पहली बात, अपने धन को बचा करके रखें। इस महीने के अंदर ये राहु कहीं ना कहीं घर से पुराने कमाई हुई पूंजी को जो है निकालने का प्रयास करेगा, यानी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, तो उसके लिए हाथ को दबा करके रखें। अब मैं आपको मासिक रूप से तो मैं बताया हूँ, अब मैं आपको दिनवार फल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहली, दूसरी और तीसरी जो राशि है यानी फरवरी के महीने का 1, 2, 3 फरवरी हैं, उसके अंदर कोई सुखद यात्रा, धार्मिक यात्रा, धार्मिक आयोजन, धर्म की प्रवृत्ति ये आपकी बन सकती है, और भाग्य की उसके अंदर भाग्य भी आपका उसके अंदर सपोर्ट करेगा। और 4 और 5 तारीख के अंदर आपके होने वाले कोई ना कोई राजकीय कार्य, वो जो है अधूरे जो पड़े हैं, वो आपके संपन्न हो सकते हैं। 6 और 7 तारीख के अंदर कोई आकस्मिक लाभ हो सकता है, जो कि पहले का रुका हुआ हो या जिसका कोई पता ही ना हो, ऐसा भी लाभ आपको 6 और 7 तारीख के अंदर मिल सकता है। 8 और 9 फरवरी के लिए जो है आप थोड़े से सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये खर्चों का दिन है, उस दिन विशेष रूप से कोई खर्च हो सकते हैं, तो 2 दिन अगर आप अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे तो इन खर्चों से आप बच जाएंगे। 10, 11 और 12 जो तारीख है फरवरी की, इसके अंदर आप बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, कोई ना कोई अच्छे माहौल बनने वाला है, कोई अच्छे सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिससे कि मन के अंदर और परिवार के अंदर खुशियों का वातावरण बने। अब उसके साथ ही साथ अगर हम चलते हैं 13 और 14 तारीख को, तो 13 और 14 तारीख को भी विशेष रूप से धनागम का संयोग बनता है। कहीं से रुका हुआ धन है तो वो आ सकता है, घर के अंदर कोई अच्छा माहौल बन सकता है, मित्रों के साथ में जो है कोई अच्छे संबंध आपके बन सकते हैं। अब अगर हम चलते हैं 15, 16 और 17 तारीख के लिए, तो फरवरी के लिए, तो उसके अंदर आपके मित्रों से सहयोग होगा,
भाइयों से सहयोग होगा, इनके साथ अच्छे संबंध होंगे, आपका पराक्रम, आपका प्रभाव, उसके अंदर वृद्धि को प्राप्त होगा। अब हम चलते गए 16 और 18 और 19 तारीख के अंदर, तो 18 और 19 फरवरी के लिए यहाँ पर ये जो है चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, सुख स्थान में होंगे, तो सुख की प्राप्ति, कोई वाहन की प्राप्ति हो सकती है, वाहन खरीदा जा सकता है, भूमि का कोई कार्य हो सकता है, किसी का सौदा हो सकता है, किसी की रजिस्ट्री हो सकती है, किसी के मकान की जो है योजना बन सकती है और माता का सुख मिलेगा। अब 20, 21 और 22 फरवरी के लिए संतान के प्रति अच्छा समय है, संतान से सुख मिल सकता है, संतान किसी की होने वाली है तो वो इस समय में संतान होने का योग बनता है, या संतान के अच्छे रिजल्ट से हमें खुशी प्राप्त हो सकती है, संतान का सहयोग प्राप्त हो सकता है और पढ़ने वालों के लिए आगे जो है रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। अब इसी के साथ साथ अब हम 23 और 24 तारीख के अंदर चलते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत शारीरिक कोई व्याधि हो सकती है, कोई कष्ट हो सकता है, कोई रोग उस समय पर हो सकता है, मौसम का ही चाहे क्यों ना हो, लेकिन उस समय पर आप उससे जागरूक रहें, सावधान रहें और किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य आपके हाथों नहीं हो जाए जिसके कारण से किसी के प्रति कोई दुश्मनी वैमनस्य जो है बढ़ जाए। अब हम चलते गए 25 और 26 तारीख के अंदर, तो पत्नी का सुख, पत्नी से सुख, पत्नी से अच्छे संबंध, दैनिक व्यापार की वृद्धि, ये इसके अंदर होंगे। और अगर किसी का जो है रिश्ता बना हुआ नहीं है तो इस समय पर रिश्ता उनका बन सकता है, चाहे वो शादी का रिश्ता है या कोई प्रेयसी से कोई संबंध यहाँ पर आपका बन सकता है। अब आपको ले चलते हैं 27 और 28 तारीख के अंदर, तो 27 और 28 तारीख थोड़ा सा कष्टों का पीरियड है, इस समय पर कोई बवासीर, कोई पाइल्स, कोई गुदा के रोग, कोई या गुदा में कष्ट, इस प्रकार की जो है संभावनाएं बनती हैं। हर किसी राशि वाले के लिए हर कोई बात फिट नहीं होती, लेकिन अधिकतर वो जो है सही उतरती है, इसलिए इसके प्रति सावधान रहें, खान पान का ध्यान रखें। और इसके पश्चात 29 और 30 तारीख फिर आपके लिए सुखद यात्राओं का समय आ जाता है, और उन यात्राओं के अंदर आप अच्छे माहौल के अंदर, धार्मिक प्रवाह के अंदर आप गुजरते हुए यात्रा आप करेंगे, कोई दूर देश की भी यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्राओं का ये समय है। और 31 तारीख में फिर कोई राजकीय लाभ या शासन से लाभ या किसी राजा से लाभ या किसी सरकारी अफसर से जो है लाभ हो सकता है। इतना ही मैं कहकर के और वाणी को विश्राम दूंगा, लेकिन एक निवेदन है, जब भी आप फोन करें तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ही करें, उसके बाद में फोन आपका नहीं मिल पाएगा। नमस्कार। देवज्ञ सचिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुला मुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।